कम से कम इतने बड़े संकट को निपटने के लिए तो साथ आना चाहिए। एक वो पोलियो की दवा का टीका लगाने में 17 साल लगा हमारे देश को, 17 साल। लगता है क्यों ऐसा हुआ? क्या देखिए, वहाँ एक भय का माहौल बनाया गया है, वहाँ खून खराबे की हिंसा की राजनीति हो रही है। जो टीएमसी, आप एक झगड़े को कहोगे कि ये जय श्री राम कहना चाह रहा था, कुत्ता बीज का झगड़ा है, उसका आपस का झगड़ा है, और कैसे मतलब राहुल गांधी और राणा आयोग क्या क्या बड़े बड़े जिम्मेदार लोग उसको फैलाने में, ट्विटर खुद फैला। चिकित्सा आप ही के पास है ना? लेकिन बड़ा अच्छा लागल हो दर्शन तरफ का दृश्य भी बदल गिल पूरा अंदर। हाँ बहुत बढ़िया लगा। अरे वाह, मैंने भी आपके गाना गावा था। अरे वो तो हम हमेशा गावत रही ना कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो स्थिति है उसमें कोई नहीं रहना चाहेगा। किसने किया स्थिति? बीजेपी तो 3 से 77 पे आ गई, बीजेपी तो वहाँ 0 से 18 सांसद पे आ गई। तो उन्होंने तो ममता बनर्जी के सामने ही कह दिया कि हिंसा जो हो रही है उसके कारण बीजेपी में कोई नहीं रह सकता। लेकिन सब मुकुल राय जैसा, राहुल गांधी के ही राजस्थान में वैक्सीन दबाई गई, जलाई गई, उस पर कुछ हम गावत आ रहे थे ना कि भोलेनाथ के नगरिया में बड़ा सुख भयो, अरे गंगा मैया के डगरिया में अपार सुख लयो री, महादेव के नगरिया में बड़ा सुख भयो, बदल गयो है बाबा विश्वनाथ मंदिर, सुंदर बनत हो माँ गौरा के मंदिर, अरे अद्भुत नगरिया अकल्पनीय दृश्य में दुनिया के बड़ी इंतजार लग रहो, बाबा भोला के नगरिया में हो बड़ा सुखी है। Exactly. देश के लिए बेहतर नहीं, हम एक सेलेक्ट बाउल कल्चर के लिए जाने जा रहे थे और यहाँ पे इस तरीके की चीजें। एग्जैक्टली वही बात। तभी आज हमारी 12 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मीटिंग ली, इस पे चिंता हम लोग जाहिर कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। जनता जिसको भी चुनना होगा चुनेगी, लेकिन कम से कम हिंसा तो मत फैलाओ यार, झूठ बोल के। आप नगरिया में अपार सुख लयोरी, महादेव के नगरिया में बड़ा सुख है, बदल गयो है बाबा विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मी सुंदर बनत हो माँ गौरा के मंदिर, अरे अद्भुत नगरिया अकल्पनीय दृश्य में दुनिया के बड़ी इंतजार लग रहो, बाबा भोला के नगरिया में हो बड़ा सुख भयो। याजे बनौली इसका आरोप लगाने वालों को ना ईश्वर बड़ा कड़ा सजा देगा। ये वही लोग हैं जो कल तक राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने 24 वकील दिए हैं कि राम मंदिर ना बने। कांग्रेस ने लगातार आजादी के बाद से जितनी ताकत लगी इसको अटकाने भटकाने की कोशिश की।
अब उनको कैसे पचेगा, या कोई भी हो, वो आम आदमी पार्टी ही हो या फिर अखिलेश यादव ही हो, इन लोगों को कैसे पटेगा कि जिसको, जिन कारसेवकों को गोली से उड़ा दिए, वो लोग राम मंदिर बनाने में सफल हो रहे हैं। तो बाकी तो जवाब दिया जा चुका है कि ये जमीन जो भी लेता खरीदता है, देखो हमारा कहना है कि राम जन्मभूमि का जो फैक्ट है वो कोई विवाद की जमीन अब नहीं लेना चाहती है। आपका 10 साल पहले एग्रीमेंट हो, आप उसको क्लीन करके हमको दो, तभी हम लेंगे, हमें भव्य राम मंदिर बनाना है। तो इसको सारी चीजें तो सामने आ गई। राहुल गांधी लगातार इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद पे टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी के ही राजस्थान में वैक्सीन दबाई गई, जलाई गई, उस पे कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में कितना वेस्ट किया गया वैक्सीन, और यही लोग बोलते थे कि वैक्सीन नहीं, मोदी की वैक्सीन है। तो इनको तो आज देश वो जवाब देगा, वो सजा देगा देश इन लोगों को, कि आने वाला समय देखिएगा। पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां चल, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं। मुझे अप्रैल में कोविड हो गया था, तो मन कर रहा था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आए और अपनी माँ को मिल के आए, माँ भी हमारी यहीं रहती हैं, तो उद्देश्य यही था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना और माँ से मिलना। तो बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद क्या? मैं बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में अचानक फेक न्यूज का दौर चल पड़ा है, हिंसा करने के लिए लगातार झूठी खबरों को कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको चाशनी लगाकर फैलाने की कोशिश की, और कुछ तो पकड़े गए हैं। जैसे मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, कभी वैक्सीन में सीरम की बात करते हैं, कभी वैक्सीन ना लगे, कभी वैक्सीन आए तो उसको नष्ट कर दिया जाए, कभी किसी घटना को झूठा एक उसको आवरण लगाकर, जैसा हुआ कि एक हमारे मुसलमान भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा, और मारने पीटने वाले भी उसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक आपराधिक झगड़ा था, लेकिन उसको कहा गया जय श्री राम कहने के लिए मारा गया। तो मैं भगवान बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो अचानक से उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियाँ लग गई हैं, उनकी शक्ति को उसका ह्रास करें बाबा विश्वनाथ, और उत्तर प्रदेश में खुशहाली बनी रहे। ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है चुनाव को लेकर के। देखिए ये भी एक दुष्प्रचार है, ये भी एक फेक न्यूज है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा लोकतंत्र है कि जिसको जो कहना होता है बड़ी स्पष्टता से विद इन द पार्टी ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में आप सोचिए आज जिस भय के वातावरण को समाप्त किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जहां पे इस कोरोना संकट में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में भी कितने कम समय में एक विशाल समस्या का संकट हरा गया है, जैसे गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उसमें अगर कोई इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको भी फेक ही मानता हूँ। सर मनोज जी आप बिहार से ही हैं, बिहार में एक राजनीतिक उथल पथल देखने को मिल रहा है, खासकर आपके एक मित्र हैं चिराग पासवान जी जूनियर हैं आपसे, उनको कुछ सजेस्ट करें कि ऐसे कष्टकारी समय में कैसे वो उसको हैंडल करें? भाई वो तो उनकी पार्टी का मामला है ना, उसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। हाँ लेकिन वो NDA का घटक दल है, हम लोग चुनाव लड़े हैं साथ में, 19 में उनके 6 सांसद हैं, तो ऐसे में हम लोग ये प्रार्थना जरूर कर रहे हैं कि उनका सब कुछ ठीक हो, बाकी उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। आपने यूपी की बात की, यूपी है आज, आप देखिए आज क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहां वाम होती थी वहां राम है, या तो TMC है या BJP है। तो जहां वाम होता था वहां राम आ गए, किसको नहीं परेशानी होगी, लेकिन ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बीजेपी ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र के समर्थक हर लोगों को लड़ना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, यूपी 2022 बीजेपी फिर से
संजय सिंह ने आपके लेकर संजय सिंह ने लगातार कई सारे आरोप लगाए हैं, मनोज जोशी को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए संजय सिंह के पिछले पूरे इतिहास को उठा लीजिए, ये लोग पत्थर फेंको और भाग जाओ, वो यही काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि अरे ये देखो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। मैं संजय सिंह से या राहुल गांधी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह से क्या पूछूं, अरविंद केजरीवाल के चेले हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमको अयोध्या में जमीन की जरूरत है, क्या आप 18.5 करोड़ के हिसाब से जितनी जमीन लिए हैं उतनी और जमीन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कल आओ, हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि वहां 28 करोड़ का रेट है। तो ये लोग जो है ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं चाहते हैं, तुष्टिकरण में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको अभी भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को रोक लूंगा या बीजेपी को रोकने में इन शक्तियों के पे आरोप लगा के सफलता पाऊंगा, जो अब संभव नहीं। महंगाई पे कंट्रोल का क्या प्लान है? देखिए महंगाई कंट्रोल में ही है। एक डीजल पेट्रोल की जो महंगाई चल रही है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े विनम्रता से कहा है मेरे देश के नागरिकों, ये देश एक संकट में है, हमें वैक्सीन भी फ्री लगानी पड़ी है, हमें अनाज भी फ्री देना पड़ा है, हमें दवाइयाँ भी करनी पड़ी हैं, थोड़ा सा सहायता कर दो, इसमें देश सेवा है, इसके लिए तो हमने पारदर्शिता के साथ कहा है थोड़ा सा देश इसमें योगदान कर दे। लेकिन जनता क्राही त्राही कर रहा है, जनता कराह महंगाई की, कराह विपक्षी ज्यादा रहे क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो भारत जो दुनिया में जब सारे टीके बन जाते थे तब भारत शुरू करता था और 17 साल में लगाता था, वो भारत दुनिया के साथ कम्पीट करते हुए अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, उनके साथ मिलके सबसे पहले वैक्सीन बनाता है और दो दो बनाता है, देश के लोगों को बचाता है। आज हमने क्या कहा, हमारे हमने जब मैं बोल रहा हूँ तो आप नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, मैं एक सांसद हूँ, हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे और विदाउट चार्जिंग वन एनी पेनी। तो आप अब आप देखिए ना, वो समझते हैं कि मैं किसी आपराधिक झगड़े को हिंदू मुसलमान बना के जीत लूंगा, तो उनकी जीत का आधारशिला ही देख लीजिए क्या है। और ये कांग्रेस के जो युवराज हैं और जो वो प्रियंका बढ़ेरा जी हैं, इन लोगों का पूरा ताना बना देख लीजिए कैसे फेक न्यूज़ को फैलाते हैं। अगर कहीं गंगा जी में एक पुरानी परंपरा है शव को अंतिम क्रिया करने की, तो उसको भी ये लोग ऐसा फोटो खींच के डालेंगे जैसे लगता है बस इसी कोरोना में ये संकट हुआ है। कोरोना एक संकट है, लेकिन उससे निपटने के लिए कम से कम इतने बड़े संकट को निपटने के लिए तो साथ आना चाहिए। एक वो पोलियो की दवा का टीका लगाने में 17 साल लगा हमारे देश को, 17 साल में पोलियो का टीका लगा और हमारे प्रधानमंत्री ने 17 महीने में वैक्सीन लगाने का पूरा निर्णय कर लिया, उसके बाद भी कांग्रेस के पास कुछ बोलने को तो नहीं रह गया। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि राम के भक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं। और लगातार इस पे विवाद भी चल रहा है कि आप राम मंदिर को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या है? देखिए इन लोगों ने जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया है ना, जो व्यक्ति जो हमारे एक संत हैं चंपत राय जी, संसार में उनका कोई नहीं है, एक 8x10 के कमरे में रहते हैं, पूरा जीवन देश को समर्पित है, और उन पे जो झूठा आरोप लगाया, जो 10 साल के एग्रीमेंट को 10 मिनट बोला, इसका आरोप लगाने वालों को ना ईश्वर बड़ा कड़ा सजा देगा। ये वही लोग हैं जो कल तक राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते थे, कांग्रेस ने 24 वकील दिए हैं कि राम मंदिर ना बने, कांग्रेस ने लगातार आज़ादी के बाद से जितनी ताकत लगी इसको अटकाने भटकाने की कोशिश की, अब उनको कैसे पचेगा, या कोई भी हो वो आम आदमी पार्टी ही हो या फिर अखिलेश यादव ही हो, इन लोगों को कैसे पचेगा कि जिसको जिन कारसेवकों को गोली से उड़ा दिए वो लोग राम मंदिर बनाने में सफल हो रहे हैं। तो बाकी तो जवाब दिया जा चुका है कि ये
जमीन जो भी लेता खरीदता है, देखो हमारा कहना है कि राम जन्मभूमि का जो फैक्ट है वो कोई विवाद की जमीन अब नहीं लेना चाहती है। आपका 10 साल पहले एग्रीमेंट हो, आप उसको क्लीन करके हमको दो तभी हम लेंगे, हमें भव्य राम मंदिर बनाना है। तो इस तो सारी चीज़ें अब तो सामने आ गई। वो जवाब देगा, वो सजा देगा देश इन लोगों को कि आने वाला समय देखिएगा। पश्चिम बंगाल में जो स्थितियाँ चल रही हैं, टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़कर अब टीएमसी में जा रहे हैं, क्या कारण लगता है, क्यों ऐसा हुआ? क्या देखिए, वहाँ एक भय का माहौल बनाया गया है, वहाँ खून खराबे की हिंसा की राजनीति हो रही है, जो टीएमसी के अलावा दूसरे दल को सपोर्ट कर रहा है उसको, उसके साथ हमारे ये भी चुनाव के बाद हमारे 53 बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको हत्या हो चुकी है। तो ये जो भय का वातावरण, मुकुल राय खुद जाते समय क्या बोले हैं आप ध्यान से सुने होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो स्थिति है उसमें कोई नहीं रहना चाहेगा। किसने किया स्थिति? बीजेपी तो 3 से 77 पे आ गई, बीजेपी तो वहाँ 0 से 18 सांसद पे आ गई। तो उन्होंने तो ममता बनर्जी के सामने ही कह दिया कि हिंसा जो हो रही है उसके कारण बीजेपी में कोई नहीं रह सकता, लेकिन सब मुकुल राय जैसा इतना भयाक्रांत नहीं है, हमारे कार्यकर्ता वहाँ खड़े हो रहे हैं। और आज जो कोर्ट की टिप्पणी आई है, मैं आपको बनारस की मीडिया को, पूरे देश की मीडिया में जाने के लिए बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आज हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल ने बोला है कि पुलिस नहीं अगर करती FIR तो आप सीधे कोर्ट को करो, कोर्ट संज्ञान लेगा। ये आज का बहुत बड़ा समाचार। 377 का दावा तो जो है, 377 जो होगा, लेकिन दावे तो 200+ के थे, सरकार बनाने के दावे थे, बड़े बड़े दावे थे, तो दावे तो करने ही पड़ेंगे हमको। आप क्या चाहते हैं, मैं दावा ही ना करूं? कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो तो टारगेट जीतने के लिए ही लड़ती है। आज आप देखिए, आज क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहां वाम होती थी वहां राम है, या तो TMC है या BJP है। तो जहां वाम होता था वहां राम आ गए, किसको नहीं परेशानी होगी? लेकिन ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बीजेपी ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र के समर्थक हर लोगों को लड़ना चाहिए। यूपी 2022 बीजेपी फिर से देखिए, संजय सिंह के पिछले पूरे इतिहास को उठा लीजिए, ये लोग पत्थर फेंको और भाग जाओ, वो यही काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि अरे ये देखो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। मैं संजय सिंह से या राहुल गांधी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह से क्या पूछूँ, अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमको अयोध्या में ज़मीन की ज़रूरत है, क्या आप 18.5 करोड़ के हिसाब से जितनी ज़मीन लिए हैं उतनी और ज़मीन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कल आओ, हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि वहाँ 28 करोड़ का रेट है। तो ये लोग जो है, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं चाहते हैं, तुष्टिकरण में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको अभी भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को रोक लूँगा, या बीजेपी को रोकने में इन शक्तियों के पे आरोप लगा के सफलता पाऊँगा, जो अब संभव नहीं है। देखिए, महंगाई कंट्रोल में ही है। एक डीजल पेट्रोल की जो महंगाई चल रही है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े विनम्रता से कहा है, मेरे देश के नागरिकों, ये देश एक संकट में है, हमें वैक्सीन भी फ्री लगानी पड़ी है, हमें अनाज भी फ्री देना पड़ा है, हमें दवाइयाँ भी करनी पड़ी हैं, थोड़ा सा सहायता कर दो, इसमें देश सेवा है, इसके लिए तो हमने पारदर्शिता के साथ कहा है, थोड़ा सा देश इसमें योगदान कर दे। कराह विपक्षी ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि उनको पते नहीं था कि वो भारत जो दुनिया में जब सारे टीके बन जाते थे तब भारत शुरू करता था और 17 साल में लगाता था, वो भारत दुनिया के साथ कंपीट करते हुए, अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, उनके साथ मिलके सबसे पहले वैक्सीन बनाता है और दो दो बनाता है, देश के लोगों को बचाता है। आज हमने क्या कहा,
हमारे हमने जब मैं बोल रहा हूँ तो आप नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, मैं एक सांसद हूँ, हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे और विदाउट चार्जिंग वन एनी पेनी। तो आप सोचिए ये भारत में कभी होता था मेरे भाई बहन? नहीं नहीं, ये बहुत थोड़े समय की बात है। एक जो कहते हैं ना, 10 की लाठी एक का बोझ, तो देश मिल करके इस बोझ को लाठी बना दिया है। आज आप देखिए आज क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहां वाम होती थी वहां राम है, या तो टीएमसी है या बीजेपी है। तो जहां वाम होता था वहां राम आ गए, किसको नहीं परेशानी होगी? लेकिन ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बीजेपी ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र के समर्थक हर लोगों को लड़ना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, यूपी 2022 बीजेपी फिर से। संजय सिंह ने लगातार कई सारे आरोप लगाए हैं, मनोज उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए संजय सिंह के पिछले पूरे इतिहास को उठा लीजिए, ये लोग पत्थर फेंको और भाग जाओ, वो यही काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि अरे ये देखो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। मैं संजय सिंह से या राहुल गांधी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह से क्या पूछूं, अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमको अयोध्या में जमीन की जरूरत है, क्या आप 18.5 करोड़ के हिसाब से जितनी जमीन लिए हैं उतनी और जमीन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कल आओ, हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि वहां 28 करोड़ का रेट है। तो ये लोग जो है ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं चाहते हैं, तुष्टिकरण में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको अभी भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को रोक लूंगा या बीजेपी को रोकने में इन शक्तियों के पे आरोप लगा के सफलता पाऊंगा, जो अब संभव नहीं। महंगाई पे कंट्रोल का क्या है? देखिए महंगाई कंट्रोल में ही है। एक डीजल पेट्रोल की जो महंगाई चल रही है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े विनम्रता से कहा है मेरे देश के नागरिकों, ये देश एक संकट में है, हमें वैक्सीन भी फ्री लगानी पड़ी है, हमें अनाज भी फ्री देना पड़ा है, हमें दवाइयाँ भी करनी पड़ी हैं, थोड़ा सा सहायता कर दो, इसमें देश सेवा है, इसके लिए तो हमने पारदर्शिता के साथ कहा है थोड़ा सा देश इसमें योगदान कर दे। जनता त्राही त्राही कर रहा है, जनता करा है, करा विपक्षी ज्यादा रहे क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो भारत जो दुनिया में जब सारे टीके बन जाते थे तब भारत शुरू करता था और 17 साल में लगाता था, वो भारत दुनिया के साथ कम्पीट करते हुए अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, उनके साथ मिलके सबसे पहले वैक्सीन बनाता है और दो दो बनाता है, देश के लोगों को बचाता है। आज हमने क्या कहा, हमारे हमने जब मैं बोल रहा हूँ तो आप नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, मैं एक सांसद हूँ, हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे और विदाउट चार्जिंग वन एनी पेनी। तो आप कार्यकर्ता वहाँ खड़े हो रहे हैं, और आज जो कोर्ट की टिप्पणी आई है, मैं आपको बनारस की मीडिया को और देश की मीडिया में जाने के लिए बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आज हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल ने बोला है कि पुलिस नहीं अगर करती है FIR तो आप सीधे कोर्ट को करो, कोर्ट संज्ञान लेगा। लेकिन आज का बहुत बड़ा समाचार, लेकिन 377 का दावा तो जो है 377 जो होगा, लेकिन दावे नहीं, ये तो उन पर तो जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन इस देश प्रदेश को भी समाज को भी तो बचाना, हम आप हमसे कुछ भी सवाल पूछें, आपकी स्वतंत्रता है ना, अगर हमने जो चोरी की है तो सामने पूछिए ना, मनोज तिवारी आपने चोरी की है तो क्या हम आपको मारेंगे? ऐसा हो आप भाई, हमारी शंका थी मैंने समाधान कर लिया, आप
एग्जैक्टली हमारे देश के लिए बेहतर नहीं, नहीं। हम एक सेलेक्ट डाउन कल्चर के लिए जाने जाते थे और यहाँ पे इस तरीके की चीजें एग्जैक्टली वही बात। तभी आज हमारी 12 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मीटिंग ली, इस पे चिंता हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जनता जिसको भी चुनना होगा चुनेगी, लेकिन कम से कम हिंसा तो मत फैलाओ यार, झूठ बोल के। आप हम गावत आ रहे थे ना कि भोलेनाथ के नगरिया में बड़ा सुख भयो, अरे गंगा मैया के डगरिया में अपार सुख लयो री, महादेव के नगरिया में बड़ा सुख भयो, बदल गयो है बाबा विश्वनाथ मंदिर, सुंदर बनत हो माँ गौरा के मंदिर, अरे अद्भुत नगरिया अकल्पनीय दृश्य में दुनिया के बड़ी इंतजार लग रहो, बाबा गोला के नगरिया में हो बड़ा सुख है। याद है।